ये हवेली के अंदर एंटर कर रहे हैं, पहली हवेली है पटवा हवेली के अंदर, और पांच और हवेली हैं जो यहाँ के राजा ने उनके लिए बनाया हुआ है, अपने बेटों के लिए, पांच बेटों के लिए पांच हवेली बनाई थी अंदर, उनमें से पहली ये एक है। यहाँ पे भी एंट्री फीस है, ये मंदिर, बोला जाता है कि ये जैसलमेर की फर्स्ट और लार्जेस्ट हवेली है जिसको 55 साल लगे थे बनाने में। काफी बड़ी है, पुराने जमाने का ताला ऐसा दिखता था, ये लगाते कैसे होंगे इसको। ये और अलग अलग टाइप के ताले हैं, छोटे बड़े, ये सीट है जो ऊँट के ऊपर लगती थी, पुराने राजा महाराजाओं के टाइम के हैं, लोहे की सीट हुआ करती थी, आजकल लकड़ी की होती है। ये है, ये था उनका बेडरूम, प्राइवेट स्पेस है, घुसना तो नहीं चाहिए मगर पुराना है तब तो घुस सकते हैं। पालना, किंग साइज बेड, ये था उनका श्रृंगार घर, राजा की वाइफ का। ये उनका किचन था, पुराने जमाने का स्टोव, नूडल्स बनाते थे इससे, लिखा हुआ है नूडल्स मशीन। लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, ऐसा अभी भी चल रहा है कई जगह पे, कई गांव में, पुराने इलाकों में। पुराने घड़े सब तांबे के हैं, ये क्या है, खाना वाना यहाँ पे खाते थे शायद। ये उस टाइम के जमाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खरताल तो आज भी राजस्थान के कई इलाकों में अभी भी बजाते हैं रेगिस्तान में। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। ये है कला कक्ष, ड्राइंग रूम, पता नहीं उस टाइम पे कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते थे, आजकल तो टेलीस्कोप ये सब यूज़ करते हैं, उस टाइम पे अलग कुछ चीज़ें यूज़ होती थी। पटवा हवेली से आप जैसलमेर फोर्ट भी देख सकते हैं, ये जो सामने है वो जैसलमेर फोर्ट है, कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो।
अच्छा होटल है, आपको बेहतरीन तरीके की फैसिलिटी मिलेंगी, फ्री वाईफाई मिलेगा, रहने के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर आप यहाँ पे आके यश भैया को कॉल कर सकते हैं, नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और भैया भी एक बार बता देंगे। तो आप यहाँ पे आके बस उनको कॉल करना, आपको जहाँ भी आप उतरोगे बस से या ट्रेन से, तो वहाँ पे आपको फ्री पिकअप मिल जाएगा और आके भैया से आप पैकेज वैकेज डिस्कस कर सकते हैं। आपको बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारा टूर वूर भैया अपना खुद करते हैं, अंकल भी हैं साथ में, पापा हैं, भाई हैं, तो सब पैकेज वैकेज सब इंक्लूडेड रहेगा। आप आके बात कर सकते हैं और एक बार भैया भी बता देंगे कि कौन से पैकेजेज अवेलेबल हैं, तो आके आप बात कर सकते हैं। नमस्ते, अपने यहाँ पे जैसलमेर में एक तो होता है नॉन टूरिस्टिक सफारी, एक होता है सन सैंड ड्यून्स के जो रिजॉर्ट के अंदर इंडियंस लोग फैमिली के साथ रुकना पसंद करते हैं। इंडियंस वो जो रिजॉर्ट वाला सफारी रहता है उसके अंदर फ्लॉक डांस, नाइट स्टे इन टेंट, लग्जरी टेंट, अटैच बाथरूम, ये सब फैसिलिटी रहता है। वहाँ पे डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, कैमल राइडिंग, जीप सफारी, ये सब इंक्लूड रहता है। और यदि आपको नॉन टूरिस्टिक सफारी जाना है उसके अंदर आपको डेजर्ट में के अंदर कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे वो बिना गैस के डिनर प्रिपेयर करते हैं आपके फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ही सब करते हैं, और नाइट स्टे आपका एकदम ओपन अंडर द स्टार रहता है। और हम अपनी तरफ से ट्रैकिंग टेंट जो होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं, यदि ज़्यादा सर्दी हो या थोड़ा सा बरसात जैसा मौसम हो तो आप वहाँ पे आराम से सो सकते हैं। और वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह आपका सब सामने ही सामने बनाता है। फिर ये पूरा नॉन टूरिस्टिक सफारी रहता है, ये भैया आपको पूरा वो वीडियो में बता देंगे। थैंक यू भैया आपके टाइम के लिए, आगे अगर बुलाना चाहते हो वापस मिलेंगे। ठीक है, पक्का। थैंक यू, आपको इंटेंड करते हैं जैसलमेर के, जरूर मिलेंगे अपन आपकी फैमिली के साथ। डू वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मंडल योर मंडल दस्त योगी। बाय बाय।